हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, नाबार्ड में एक नई भर्ती निकली है। ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती है। आयु 21 से 30 साल है। महिला और पुरुष कोई भी फार्म अप्लाई कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, कोई भी बच्चा यदि IIT JEE नीट एम्स की तैयारी करना चाहता है एक अच्छी फीस भर के, वैसे यदि आप किसी भी सेंटर में ट्राई मारते हो तो आपके 1 लाख से 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये तक फीस लगती है एक साल की। लेकिन दोस्तों, हमने और इनविंसिबल सेंटर ने मिलकर पहल की है कुछ बच्चों की हेल्प करने की, और 50 बच्चे 30,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे कोचिंग दी जाएगी उन बच्चों को। इसके लिए बच्चे को टेस्ट देना होगा। जो 11th के लिए टेस्ट होगा वो 26 तारीख को होगा। जो ड्रॉपर बैच के लिए जो टेस्ट होगा वो 19 मई को होगा। इसमें भाग लेने के लिए बच्चे का 70% प्रीवियस क्लास में नंबर होना अनिवार्य है, और आपको 50% स्कोर करना होगा इस सिलेक्शन टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप फैकल्टी है ये जिनसे आप पढ़ाई कर पाओगे। यदि आप अधिक जानकारी के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराना चाहते हैं, आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको 30,000 रुपये में पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है तो आप 2 लाख रुपए अपने माता पिता के क्यों खराब कर रहे हो। दोस्तों, मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं यहाँ पे इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नाबार्ड की भर्ती की, कि भर्ती में क्या कुछ रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस लिंक पर आ जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये हाई क्वालिफिकेशन की जॉब है। हाई क्वालिफिकेशन तो क्या है, असिस्टेंट मैनेजर की पद है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 79 है दोस्तों। और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब नाबार्ड है, हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों के लिए वैकेंसी आई है, कुल पद 79 है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2019-20। यदि फीस की बात करें कि फार्म भरने की फीस कितनी लगेगी, तो SC ST PWD के लिए फीस है 150 रुपये दोस्तों, ठीक है, 150 रुपये। जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 650 रुपये प्लस में 150 रुपये, ठीक है, इतनी फीस उनको देनी पड़ेगी। और ये जो फीस है ये ऑनलाइन ही भरी जाएगी दोस्तों, ठीक है, ऑनलाइन ही भरी जाएगी ये फीस। उसके बाद में यदि हम डेट की बात करें तो 10 मई से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 26 मई तक आप ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें पहला एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और 15 और 16 जून को ये एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, ठीक है। आप बात करते हैं एज की, तो दोस्तों यहाँ पे 21 से 30 साल एज मांगी गई है, और एज रिलैक्सेशन भी आपको अलग से दी जाएगी जो नियम है उसके आधार पे। अब यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन बेस कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बैचलर डिग्री कर रखी हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में वैकेंसी 79 है, मैंने आपको बता ही दिया हूँ। और दोस्तों, यदि आप इसके बारे में पूरी डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने आधा फार्म भर रखा है, आपका कुछ रह गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल साइट पर भी यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये भर्ती निकली है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पदों के लिए। बैंक में ये वैकेंसी है नाबार्ड में, ठीक है, और 79 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन बेस पे है, 21 से 30 साल है, और 26 मई लास्ट डेट है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।